हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। नमस्ते, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो हम लेके आए हैं क्लॉक। अब ध्यान रखिए, जो क्लॉक में हम पढ़ने वाले हैं वो खास करके इसमें हम पढ़ेंगे कि कोण कैसे निकालते हैं। आप में बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि आप एंगल नहीं निकाल पाते हो, तो आज स्पेशली हमने सेशन उस पर रखा है और इस तरीके के जितने भी सवाल बनेंगे आपकी आज के बाद वो कभी गलती नहीं होगी। तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा और कॉपी पेन ले करके हो जाइए तैयार और फटाफट सेशन को कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। देखो, ये जो सवाल है, जो क्लॉक के सवाल है, वो केवल केवल आरआरबी के एग्जाम में ही नहीं, ये एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और यूपी ट्रिपल एससी के भी जितने एग्जाम बनते हैं। हाल फिलहाल में जो, ध्यान रखिए, यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, उसके अंदर भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला। अभी आप ध्यान रखिए, आरपीएफ के भी एग्जाम आएंगे, उसमें भी ये सवाल बनता है। तो सबसे पहला सवाल है, सबसे पहले आप समझ लो कि ये किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको उस पर ध्यान रखना है, राइट? तो फटाफट एक बार आप देख लो किस तरीके के सवाल बनते हैं, फिर हम उस पर बात करते हैं। देखिए, आपने क्वेश्चन तो देख लिया होगा किस तरीके के सवाल बनते हैं। अब जरा समझो कि इस सवाल को बनाते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये हम जरा आप समझते हैं, राइट? जरा बेसिक बात आप समझ लो, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे, राइट? अब देखो, क्वेश्चन तो आप विद इन सेकेंड कर लोगे, उसमें नो डाउट है, बट करना कैसे है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझते हैं। आप देखो, क्लॉक में आप समझिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं घड़ी की। किसकी बात कर रहे हैं? घड़ी की। अब घड़ी में आप समझो, घड़ी यहां पर कौन सी घड़ी की बात कर रहे हैं, तो एनालॉग क्लॉक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एनालॉग क्लॉक की बात हम कर रहे हैं, यानी एनालॉग क्लॉक की हम बात कर रहे हैं, दीवाल घड़ी की बात कर रहे हैं। अब दीवाल घड़ियां तो धीरे धीरे खो रही हैं। अब देखो, यहां पर ध्यान रखो, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। पॉइंट क्या है वो समझिएगा, लास्ट में हम आपको ट्रिक्स भी देंगे और उससे क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से आप कर पाओगे। आप समझो, पॉइंट क्या है ये आप समझिएगा। पॉइंट्स ये है कि आप सबसे पहले आप देखो, इसमें जो सुइयां आपको देखने को मिलेंगी, जो क्लॉक में बनता है, जिस पर एंगल पर बेस सवाल बनता है, उस केवल दो सुइयों पर बनता है। एक आपका बनता है घंटे की सुई, किस पर बनेगा? घंटे की सुई, घंटे की सुई यानी आवर हैंड, राइट? ये पहला बनेगा। दूसरा जो बनता है वो मिनट की सुई है। कौन सी सुई? मिनट की सुई यानी मिनट हैंड, राइट? किसकी सुई? मिनट की सुई यानी मिनट हैंड। तो ये दोनों पर सवाल बनते हैं। सबसे पहले हम घंटे की सुई की बात करने वाले हैं, आप समझिएगा। हमने कहा कि भाई देखो, घंटे की सुई जो है वो 12 पर है। कितने पर है? 12 पर है। छोटी होती है सुई, घंटे की सुई 12 पर है और ये पूरा पूरा चलते 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 पूरा एक चक्कर लगा करके फिर 12 पर आ गई। मैं आपसे पूछूं कि कितने घंटे हुए, तो आप कहोगे सर बड़ा सिंपल, 12 घंटे हो गए। एक चक्कर लगाना यानी 12 घंटे हो गया। अब समझना, यहां पर एक चक्कर ही नहीं लगाया उसने, उसने पूरा पूरा 360 डिग्री वो घूमा, यानी एक चक्कर लगाया 12 घंटे और बराबर 360 डिग्री भी घूमा। कितना? 360 डिग्री घुमा। तो हमें क्या पता चलता है? हमको पता चल गया कि भाई देखो, ये सुई 12 घंटे चल चुकी है, 12 घंटे में उसने जो एंगल बनाए वो 360 डिग्री का कोण बना लिया। कितना? 360 डिग्री का कोण बनाया। एक चीज और आपको समझना है, ये जो दो नंबरों के बीच में खाने आपको दिख रहे हैं, जैसे 12 और 1 के बीच में एक खाना हो गया, एक स्पेस हो गया, ये जो एक स्पेस हो गया उसको आपको समझना है, ये एक स्पेस एक घंटे का है। ऐसे इसमें 12 स्पेस हैं, यानी 12 खाने हैं। 12 घंटे बोलो, 12 खाने बोलो, 12 स्पेस बोलो, ये आपको समझना। और एक स्पेस अगर घंटे की सुई कवर करेगी, यानी घंटे की सुई अगर चलेगी, तो वो ध्यान रखना एक घंटे होते हैं। अब यहां पर समझिएगा,
12 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना डिग्री? तो आप कहोगे सर सिंपल है, 360 में आप इस 12 से भाग दे दो। अगर आप भाग दे दोगे तो कितना बन जाएगा, समझो भाग देने पर इसको कट जाएगा और कितना बन जाएगा, 12 तिहाई 36 यानी 30 डिग्री। अब बड़ा सिंपल है, आपको बात पता चल गई कि एक घंटे में 30 डिग्री बनता है, यानी यहां पर क्लियर हो गया, यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गया। आप समझो कि ये जो एक स्पेस है, ये जो एक स्पेस है, ये जो एक स्पेस नजर आ रहा है, ये वाला स्पेस, ये वाला जो स्पेस नजर आ रहा है, ये जो स्पेस है वो पूरा पूरा कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, यानी एक घंटे का है, यानी 30 डिग्री का है। हमने कहा कि ये जो स्पेस नजर आया, ये स्पेस जो है वो एक घंटे का है, और एक घंटे बोले तो 30 डिग्री का है, कितना है, 30 डिग्री का है। साथ साथ में एक बात और आप समझ सकते हो कि अगर इसको मिनट की सुई चलती तो 5 मिनट होते, कितने मिनट होते, 5 मिनट, उसका हम आगे बात करने वाले हैं, आप समझिएगा। अब यहां पर समझो, अब यहां पर आप समझोगे कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, कितने मिनट, 60 मिनट। भाई कोण तो उतना ही बनेगा, 30 डिग्री, चल कौन रहा है, घंटे की सुई चल रही है, टिक 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 चल रही है, समझो आप। अब यहां पर समझो, एक मिनट में अगर मैं पूछूं कि कितने डिग्री बनाओगे, तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, 30/60 कर दो, कितना, 30/60, तो भाई आप कट करोगे तो कितना बन जाएगा, 1/2 डिग्री। अब एक बात हमको और पता चल गया, 60 मिनट, यहां पर ध्यान रखो, 60 मिनट में 30 डिग्री, एक मिनट में कितना, आधा डिग्री, तो एक मिनट बराबर 60 सेकेंड भी होता है, क्या होता है, 60 सेकेंड, और एंगल तो वही बनाओगे आप, राइट, आधा डिग्री। तो अगर पूछा जाए कि एक सेकेंड में कितना बनाओगे, तो आप कहोगे ये भी बहुत सिंपल है, यानी 1/2 × 60 करोगे, ठीक है, यानी 60 करोगे, यानी क्या हो गया, 1/60 दूना कितना, 120 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 120 डिग्री। अब यहां पर आप समझिएगा कौन कौन से पॉइंट हमको याद रखने हैं, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, सवाल इनसे भी बनते हैं, राइट, सवाल इनसे भी बनते हैं। दूसरा आप समझिएगा, दूसरा हमें क्या समझना है, कि दूसरा एक ये वाली बात आपको समझनी है, ये क्या समझना है आप समझो। अब देखो मिनट की सुई, आपको जैसा कि पता है कि आप देखो दोनों स्पेस, दो इन दोनों में जो, इन दोनों नंबर के बीच में जो स्पेस नजर आ रहा है, वो स्पेस जो है ना 5 मिनट का है। अगर इसको मिनट की सुई चलेगी, घंटे की सुई चलती है तो एक घंटे, मिनट की सुई चलती है तो 5 मिनट, कितना मिनट, 5 मिनट। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, एक तो ये भी कर सकते हो कि 5 मिनट में 30 डिग्री बनता है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ध्यान रखो, मिनट की सुई अगर पूरा पूरा चलेगी एक चक्कर तो 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में बनाता है 360 डिग्री, कितना, 360 डिग्री। अब ध्यान रखिए, अगर वही एक चक्कर कौन लगा दे, मिनट की सुई लगाते तो 60 मिनट होंगे, कितने मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट हो जाएंगे, और 60 मिनट में बनता है कितना, 360 डिग्री। तो भाई आप पूछोगे एक मिनट में कितने डिग्री बनेगा, तो ध्यान रखो आप कहोगे 360/60 कर दो, ठीक है, कितना हो गया, 6×6=36 हो गया भाई, ठीक है, तो कितना हो गया, यहां पर देखो आप कितना हो गया, ये तो कट गया, कितना हो गया, 6 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 6 डिग्री हो गया, राइट, तो कितने डिग्री, 6 डिग्री। अब एक बात और समझ लेना, एक मिनट में होते हैं कितने, 60 सेकंड होते हैं, और 60 सेकंड में आप 6 डिग्री ही बनाओगे, कितना, 6 डिग्री। अब आप पूछोगे कि एक सेकंड में कितने डिग्री बनाओगे, तो भाई 6/ कितना करोगे, 6/ आप 60 करोगे, तो कितना बन जाएगा, 1/10 डिग्री, 6×60, 1/10 डिग्री। अब आपको क्या क्या याद रखना है, क्या क्या पॉइंट याद रखना है वो समझो। एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि एक मिनट में 6 डिग्री, दूसरा एक सेकंड में कितने डिग्री, 1/10 डिग्री। यहां से भी सवाल डायरेक्ट आपसे बनते हैं, तो ये आप क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये जानना जरूरी है, कि सवाल कैसे बनेंगे।
देखो सवाल तो यहां से भी बन सकते हैं, वो पूछ सकता है कि घंटे की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री बनाएगी। अब उसने पूछा घंटे की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री बनाएगी, आपको कि भाई एक मिनट में बनाती है आधे डिग्री, तो 10 मिनट में 10 का आधा कितना, 5 डिग्री। अच्छा उसने पूछा, उसने कहा कि मिनट की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री बनाएगी, आपको पता है कि एक मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 6 × 10 यानी 60 डिग्री, राइट, कितना 60 डिग्री। अब आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है, सवाल इसी तरीके से बनते हैं। सवाल कैसे बनेंगे, इसी तरीके से बनेंगे। अब आप दो सवाल समझ लो, ठीक है, दो सवाल समझ लो ताकि आपको क्लियर हो। हमने कहा ये पूछ रहा है कि घंटे की सुई ठीक है 20 मिनट में कितने डिग्री, 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। समझो आप कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपको यहां पर समझना है अगर वो चलती है तो कितना कोण बनाएगी। आप सिंपल आपको इतना याद रखना है कि घंटे की सुई ना एक मिनट में बनाती है कितना, आधा डिग्री, तो 20 मिनट में बनाएगी 20 का आधा बनाएगी। 20 का आधा बोले तो 10 डिग्री, कितना 10 डिग्री आंसर हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर। देखो ऐसे सवाल बनेंगे, तो ऐसे सवाल अगर बनेंगे तो आप कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा दूसरा सवाल देखो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि घंटे की सुई ठीक है 20 सेकंड में, क्या पूछ रहा है, घंटे की सुई 20 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आप समझो, आप कितने डिग्री का कोण बनाएगी। सिंपल आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए आप बताइएगा। आपको याद ये होना चाहिए कि घंटे की सुई एक सेकंड में बनाती है 1/120 डिग्री। ये बात आपको याद होना चाहिए जो मैंने अभी आपसे पीछे बताया। तो अब यहां पर ध्यान रखना कि 20 सेकंड में कितना बनाएगी, कितना 20 सेकंड में बनाएगी। भाई देखो 1/120 तो कैसे करोगे, 20 × 120 बन गया 1/6 डिग्री, और यही आपका क्या बन गया, यही आपका बन गया आंसर। क्लियर है, तो आप ऐसे सवाल कर पाओगे। अब जरा आगे देखो, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, नहीं तो आप फिर से देख लो। आगे देखो क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। अब हमने कहा कि मिनट की सुई, कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपकी, मिनट की सुई ध्यान रखिएगा, मिनट की सुई 20 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, कितना डिग्री चलेगी। आप कैसे करोगे, आपको सिंपल यहां पर याद क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि मिनट की सुई एक मिनट में कितना चलती है, तो एक मिनट में वो 6 डिग्री चलती है, कितने डिग्री, 6 डिग्री। अब आप ध्यान रखो 20 मिनट में कितना चलेगी, तो सिंपल 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में × 20 कर दो, 20 × 6 कितना हो गया, 120 डिग्री, और यही आपका क्या बनता है, यही आपका आंसर बनता है। सिंपल ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आपसे गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है। चलिए इसी पर दूसरा सवाल मैं पूछता हूं। ये पूछ रहा है कि मिनट की सुई 20 सेकंड में, क्या पूछ रहा है, मिनट की सुई 20 सेकंड में कितने डिग्री चलेगी। आप समझिएगा, अब आपको सिंपल याद होना चाहिए
कि एक सेकंड में कितना चलती है, एक सेकंड में कितना चलती है भाई, एक सेकंड में कितना चलती है, एक बटे दस डिग्री, कितना, एक बटे दस डिग्री। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 20 सेकंड में कितना चलेगी, क्या 20 सेकंड में, 20 सेकंड में कितना चलेगी, तो सिंपल एक बटे दस, एक बटे दस गुणे 20 कर दो आप, कैसे हो जाएगा, तो देखो 20 बटे दस यानी कट करोगे कितना आ जाएगा, दो, तो कितना आ गया भाई, 2 डिग्री, यही आपका क्या बनता है आंसर। क्या ऐसे सवाल का आंसर आप दे पाओगे, अगर आपको चीजें समझ आई तो फटाफट शेयर कर दो, आगे हम देखते हैं कि सवाल कैसे बनेंगे, राइट, सवाल कैसे बनेंगे। अब यहां पर समझो, अब सवाल पूछेगा कि जो हमने आपको दिखाया था सवाल वैसे पूछेगा, हम उस पर आ जाते हैं, सवाल इस तरीके से अब पूछेगा, राइट, सवाल अब इस तरीके से बनेगा, वो पूछेगा 4:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बीच का छोटा कोण ज्ञात करिए। अब ये छोटा कोण और बड़ा कोण क्या है, ये जरा समझ लो आप, ठीक है, ध्यान रखो, सबसे पहला पॉइंट आप समझिएगा, छोटा कोण क्या है, छोटा कोण, और बड़ा कोण क्या है, छोटा कोण और बड़ा कोण क्या है, ये आप समझो, बड़ा कोण क्या है, छोटा कोण और बड़ा कोण, ऐसे समझो आप, ये छोटा कोण हो गया पहला, दूसरा हो गया बड़ा कोण, क्या, बड़ा कोण। अब छोटा कोण और बड़ा कोण क्या है, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है, छोटे कोण को हम लोग अंतः कोण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतः कोण, अंतः कोण बोलते हैं, बड़े कोण को हम लोग बाह्य कोण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। अब ध्यान रखो, यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो कोण, ध्यान रखो, जो कोण 180 डिग्री से कम हो, से कम होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, छोटा कोण। और यहां पर ध्यान रखा, जो कोण, जो कोण 180 डिग्री से ज्यादा होगा, से ज्यादा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बड़ा कोण। अब जब सवाल में पूछा जाता है, जब सवाल में आपसे पूछा जाएगा छोटा कोण निकालने के लिए, तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको छोटा कोण चाहिए, क्या चाहिए आपको, छोटा कोण चाहिए, तो आप बड़ा, आप ध्यान रखिए, छोटा कोण चाहिए तो 360 में से अगर आप बड़ा कोण माइनस कर दो, क्या, बड़ा कोण माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको छोटा कोण मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, छोटा कोण आपको मिल जाएगा, राइट। अगर वो ऑलरेडी छोटा कोण है तब आप माइनस मत करना, और अगर आपको बड़ा कोण चाहिए, क्या चाहिए, बड़ा कोण चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहां भी 360 में से आपको छोटा कोण माइनस करना है, क्या माइनस करना है, छोटा कोण माइनस करना है। अब आते हैं मुद्दे पर कि आखिर इसको हम कैसे निकालेंगे, छोटा कोण और बड़ा कोण, ये तो हमने आपको बता दिया, कोण कैसे निकलेगा वो आप समझो, देखो आप कोण कैसे निकलेगा, हमने एक सिंपल सा सवाल लिया, पहले आप समझते हैं, ये पहले घड़ी आप देख लो, ये घड़ी है, कोण कैसे निकालें आप समझो, कोण कैसे निकालें, कोण कैसे निकालें, ठीक है, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में हम कोण कैसे निकालें, तो आप समझो कोण कैसे निकालें, ये सिंपल आप समझ लो क्या है, ये आपका है घड़ी, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये है। अब घड़ी में समझो, मैंने कहा 2:02, ठीक है, 10 मिनट के बीच का कोण क्या होगा। अब जो भी हम कर रहे हैं वो ध्यान रखो, दोनों सुइयों के बीच 2:10 पर, यहां ऐसे लिखते हैं, 2:10 पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोण क्या होगा, ऐसे लिख लेते हैं, मिनट
के सुइयों के बीच कोण क्या होगा, के बीच कोण क्या होगा, आप समझो कैसे होगा। 2:10 के हमने बात किया, सिंपल हमको ये बात समझना है कि 2:10 होता कैसे है। भाई देखो, मिनट की सुई कंफर्म है कि 2 पर ही होगी, क्योंकि 2 पर होने का मतलब है कि 10 मिनट होता है। कितना होता है? 10 मिनट। सबको घड़ी देखने आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब घंटे की सुई होगी, घंटे की सुई 2 से, यहाँ पर 2 से थोड़ा आगे होगी। कितना आगे होगी? तो 10 मिनट आगे होगी। देखो, घंटे की सुई 2 से 3 तक पहुंचती है, तो मिनट की सुई पूरा 2 से चक्कर लगा के फिर 2 पर आ जाएगी। 2 से चक्कर लगा के कहाँ चली जाएगी? 12 से चक्कर लगा के कहाँ चली जाएगी? 12 पर। ध्यान रखो, 2 से मैं कह रहा हूँ, 12 से चक्कर लगा के फिर 12 पर चली जाती है। अगर मिनट की सुई यहां से चलकर यहां तक आ गई है, इसका मतलब यह है कि घंटे की सुई यहां से 10 मिनट आगे जा चुकी है। कितने मिनट? 10 मिनट आगे जा चुकी है। एक तो तरीका सिंपल है कि आपको एक बात पता है इस सवाल में, तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि 2 से घंटे की सुई केवल 10 मिनट आगे गई है, और 1 मिनट में चलती है कितनी? 1 मिनट में वो सुई चलती है, ध्यान रखना, आधे डिग्री। तो भाई 10 मिनट में वो कितना गई होगी? 5 डिग्री गई होगी। आंसर तो 5 क्लियर है। आंसर क्या आ गया? 5 आ गया, क्लियर है। बट सवाल बदलते ही ये चीजें चेंज हो जाएंगी। अगर ऐसा सवाल बनता है तो आंसर कितना आएगा? 5 डिग्री। केवल केवल घंटे की सुई पर बेस था, 5 डिग्री आंसर आ गया। अब सवाल जरा बदलते हैं तो चीजें भी बदल जाएंगी, आप समझिएगा, चीजें भी बदल जाएंगी। मैं आपको ट्रिक भी दूंगा, आप समझिएगा, मैं आपको ट्रिक भी दूंगा। अब मैंने कह दिया कि 2:10 नहीं, 2:00, ध्यान रखो, 2:00 आपका 30 मिनट है। कितना? 2:30। अब चीजें कैसे बदलेंगी आप समझो, ठीक है। 2:30 हो गया। अब भाई देखो, 2:30 होगा तो हमको समझना है कि मिनट की सुई किस पर चली जाएगी? 6 पर। और 2:30 है, इसका ये 2 था, ठीक है। 2:30 है तो घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में होगी, और यहां से घंटे की सुई कितनी चल चुकी होगी? तो ध्यान रखना, 2 से घंटे की सुई 30 मिनट आगे जा चुकी है। कितने मिनट? 30 मिनट। बेसिक तरीका हम समझते हैं, इसके बाद हम ट्रिक तो करेंगे ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम ट्रिक तो करेंगे। हमें इनके बीच का कोण बताना है, यानी यहां पर क्या एंगल होगा वो हमको बताना है। ये वाला कोण हमको बताना है, ध्यान रखना, ये वाला कोण अंतः कोण है, ठीक है, छोटा कोण है, छोटा कोण है। तो कैसे आप निकालोगे, आप समझो भाई, सिंपल हमको समझना है कि ये जो घंटे की सुई है वो कितना चल चुकी है, घंटे की सुई आपकी कितना चल चुकी है। या आप एक तरीका और अपना सकते हो कि आप कह सकते हो, एक तो ये देख लो, बीच में 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, और ये जो है ना, ये आपका वो 30 मिनट यहां से आगे जा चुकी है। मतलब यहां पर 30 मिनट घंटे की सुई चलने का मतलब है कि 30 का आधा डिग्री चल चुकी है। अब 30 का आधा डिग्री कितना होता है? तो 30 का आधा डिग्री होता है 15। 30 का आधा कितना होता है? 15 डिग्री। तो देखो, 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, और 15 डिग्री ये आगे चल चुकी है। तो 30 यानी 90 और 10 100 हो गया 105 डिग्री। कितना आ गया? 105 डिग्री आ गया। तो ये तो हो गया आपका आंसर 105 डिग्री, ठीक है। एक तो तरीका ऐसे आप बना के करो, बट आप ध्यान रखना, आप बना करके करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक तरीका और है कि आप यहां से यहां तक का एंगल निकाल लो। आपने अभी अभी सीखा था, क्या सीखा था आप समझो, घंटे की सुई यहां से यहां तक कितना चल चुकी है, मिनट की सुई कितना चल चुकी है, ये आप समझ लो। आप देखो, यहां से यहां तक मिनट की सुई चली है 30 मिनट। एक मिनट में मिनट की सुई, अब क्या हम कर रहे हैं, मिनट की सुई कितने डिग्री गई है वो पहले आप समझ लो। मिनट की सुई कितने डिग्री गई है भाई? तो कितना गई है पहले आप समझो, 30 मिनट चला है। तो एक मिनट में मिनट की सुई कितनी चलती है? 6। तो 30 मिनट में कितनी चलेगी? तो 6 × 3 = 18, 180 डिग्री, ठीक है। घंटे की सुई कितना चली होगी? तो घंटे की सुई यहां से चली है, ध्यान रखो कितने तक चली है, यहां से कितना चली है,
भाई दो तक चली है, दो तक चली है और 30 मिनट और, मतलब 15 डिग्री और। तो अब यहां पर समझ लो कि ये पूरा पूरा दो पर चली है, तो ये कितना चलती है आप समझो, ये जो एक स्पेस है वो 30 डिग्री का है, कितने का, 30 का। तो ये 60 और 15 कितना चल गई, 60 और 15 75 डिग्री ये चल चुकी है, कितना 75 डिग्री चल गई है। अब आप क्या करोगे, अगर इसमें से इसको माइनस कर लो, अब यहां पर कोण क्या निकालोगे, कोण क्या निकालोगे, तो 180 माइनस 75 कर लो, 180 माइनस 75 करोगे तो आएगा 105 डिग्री, राइट। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये सब तरीका बेकार है, क्योंकि आपको चाहिए ट्रिक। अब ट्रिक समझो क्या है, ये ट्रिक समझो क्या है, ये ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको याद रखना है, ट्रिक क्या करना है आपको याद रखना है। तो ट्रिक कैसे याद रखोगे समझो, आपको सिंपल है, 2:30 दिया गया, तो 2 क्या है, ये आवर है, और 30 क्या है, मिनट है। तो आप सिंपल क्या करोगे, आपको जो घंटा मिलेगा उसमें से आप, उसमें आप 30 का गुणा करोगे, और जो मिनट होगा, जो मिनट होगा उस मिनट में आप 5.5 का गुणा करोगे, आपको कोण का पता चल जाएगा। आपको कोण निकालना है, आपको घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण निकालना है, तो आपको पता चल जाएगा। केवल आप घंटे में किसका करोगे, 30 का गुणा करोगे, मिनट में किसका करोगे, आप 5.5 का गुणा करोगे। यच मतलब क्या है, घंटा, ठीक है, और यम मतलब क्या है, मिनट, क्या है, मिनट। इसका आप अंतर निकाल लो, अंतर निकालने से कोड का पता चल जाएगा। कैसे चलेगा आप समझो, ये 2:30 था, 2:30 का, तो देखो घंटा कितना है 2, मिनट कितना है भाई, तो मिनट है 30, 2 में हम किसका गुणा करेंगे, तो 30 का, कितना हो गया, 30 × 2 = 60, इसमें हम किसका गुणा करेंगे, तो 5.5 का, किसका करेंगे, 5.5 का, तो 3×5 = 15 और 30 का आधा कितना, 15, ठीक है, मतलब 3×5 = 15 कितना, 30×5 = 150, 150 और 15 कितना हो गया, तो 165, कितना हो गया, 165। इनका हमको अंतर निकालना है, क्या निकालना है, अंतर, अंतर कितना है, तो 105 डिग्री का है, कितना है, 105 डिग्री का। अब आप इस तरीके से आप सारे सवाल को कर सकते हो, कोई आपको समस्या नहीं है। तो ये ट्रिक नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, हमने आपको सारे तरीके बताए कि कैसे एंगल निकालते हैं, राइट। सेशन को शेयर करते रहेंगे, आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अपने सवाल पर, अब हम अपने सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर सवाल कैसे होगा, देखते हैं कि आखिर सवाल कैसे होगा। अब देखो यहां पर सवाल कैसे करना है, सिंपल उसी तरीके से करोगे आप। 4:15 है, कितना, 4:15, ये आपका घंटा है और ये आपका मिनट है। तो घंटे में हमने बोला था 30 का गुणा करो, मिनट में कितने का करना है, 5.5 का गुणा करो, और इनका आपको अंतर निकालना होगा। तो 4×3 = 12, 120 हो गया, ये अंतर निकालना है। तो 15×5 = कितना हो गया, 75। अब ध्यान रखो 15×5 = कितना है, 75, 75 और 15 का आधा, क्योंकि 5.5 से गुणा करना है, 15 का आधा 7.5, 75 और 7.5 कितना हो गया, 82.5, गुणा उड़ा आपको करने आना चाहिए, ठीक है। इनका अंतर कितना है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो 85 है, 100 में जाओगे तो कितना, 17.5, 17.5 और 20, 37.5 डिग्री, कितना आएगा, 37.5 डिग्री आपका आंसर बनेगा। तो आप ध्यान रखना, इधर कितना बच गया आपका, 17.5 और 20, तो 37.5 डिग्री आपका आंसर बनेगा। 37.5 डिग्री नहीं दिया है तो आप बनेगा NOT, 37.5 डिग्री, राइट। आंसर क्या बन गया, 37.5 डिग्री। अगले सवाल पर आइए और जरा सॉल्व करके बताइए कि इसका सही उत्तर आप क्या बनाने वाले हो, राइट, आप सही उत्तर क्या बनाने वाले हो। इसमें कह रहा है कि साय 4:30 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का छोटा कोण क्या है, ठीक है। ये देखो ये छोटा ही कोण था, ध्यान रखना, छोटा कोण यहां भी पूछ रहा है। तो आप देखो 4 ये आवर है यानी घंटा, और मिनट कितना है, तो 30 है, ठीक है। 4.5 इसमें कितना था, 4:15 था, चलो ठीक है।
इसमें आप किसका गुणा करोगे तो 30 का, इसमें आपको किसका गुणा करना है 5.5 का, ठीक है। अब इनको जरा कर लो आप और बताओ कि कितना बनने वाला है। तो 4 × 3 = 12, 120 हो गया, कितना हो गया 120। ये देखो 30 का 5.5 में गुणा करोगे तो कैसे करोगे, 30 गुणे, देखो हम कैसे कर रहे हैं आपको मैं बता देता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये गुणा कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे करते हैं 3 × 5 = 15, 150 हो गया, और 30 का आधा 15, 165 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 165। हम ऐसे करेंगे, अब ध्यान रखा इसका डिफरेंस निकालना है, इसका अंतर, क्या अंतर, अभी गुणा कैसे हुआ ये समझो। 30 × एक बार हम 5 का गुणा करते हैं तो कितना हो गया, 150 हो गया। फिर हम 30 में 5.5 का गुणा करते हैं, आधे का करते हैं, ये देखो 0.5 का करते हैं, तो 0.5 का गुणा करने का मतलब इसका आधा हो जाता है, इसका आधा कितना 15, और इसी को हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 165 डिग्री हो गया। तो यही काम आपको कर लेना है। अब अंतर निकालोगे कितना, तो भाई कितना होगा 40 × 20 = 60, ठीक है, 5 × 45, तो 45 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा 45 डिग्री। तो 20, अब इसमें से 5 में से 0 गया, 5 हो गया, ठीक है, 6 में से 2 गया, 4 हो गया, कितना हो गया 45 डिग्री। आपका उत्तर बनेगा विकल्प 1, राइट। आई होप आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। हम ऐसे अगर कुछ सवाल करेंगे तो आप ध्यान रखिए आपके ऐसे सवाल में कभी गलती नहीं होगी। चलिए अगले सवाल पर आइए, ठीक है, अगले सवाल पर आइए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आंसर कितना आया था 165, ये अंतः कोण है यानी छोटा कोण है। बड़ा कोण निकालना होता तो हम 360 से माइनस कर देते, ये 180 से कम वाला था। अब इस सवाल में कह रहा है कि 5:20 पर घड़ी की दोनों सुई किस कोण छोटी पर झुकी होगी, कह रहा है एट व्हाट एंगल स्मॉलर आर द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक इंक्लाइंड एट 20 minutes past 5, यानी 5:20, 20 minutes past 5 का मतलब क्या होता है 5:20। अब 5:20 मतलब घंटा कितना है यहां पर, तो घंटा है 5, अच्छा मिनट कितना है, तो भाई मिनट है आपका 20। सिंपल, आप घंटे में किसका गुणा करते हो, तो घंटे में आप गुणा करते हो 30 का, किसका 30 का, कितना हो गया 5 × 3 = 15, 150 हो गया। मिनट में आप किसका गुणा करते हो 5.5 का, ठीक है, 20 × 5 = 100 और प्लस 20 का आधा 10, 110 हो गया, कितना हो गया 110, ठीक है। अब इनका अंतर निकाल लो, ठीक 150 है और ये 110 है, अंतर कितना का 40 का, तो 40 डिग्री आपका उत्तर बनेगा, विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। समझ आ रहा है तो फटाफट सेशन को लाइक करते जाओ आप। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगले सवाल का आंसर आप खुद दोगे। इसमें कह रहा है कि 9:32 पर घड़ी की दोनों सुइयां किस कोण यानी छोटे पर झुकी होंगी, राइट, किस पर झुकी होंगी, छोटे पर झुकी होंगी। अच्छा चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे, कैसे आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है, फटाफट आप आंसर करेंगे। चलिए आप देखो यहां पर, अगर आप देखो 9:20 तो घंटा कितना है आपका, घंटा है 9, अच्छा मिनट कितना है, तो मिनट आपका है 32। सिंपल जो हमने आपको ट्रिक बताया उसको अगर आप फॉलो करो तो आप घंटे में गुणा किसका करोगे 30 का करोगे, 9 × 3 कितना हो गया 27, यानी 270 हो गया, ठीक है। और मिनट में आप गुणा किसका करते हो 5.5 का कर रहे हो, किसका 5.5 का, 5.5 का करोगे तो कैसे करोगे आप ध्यान रखो, तो 5 × 2 = 10 हो गया, 5 × 2 = 10 शून्य हो गया, 5 × 3 = 15 और 1 = 16 प्लस आधे का भी तो गुणा करेंगे, आधे का गुणा का मतलब है आप ध्यान रखो आप 32 का आधा कितना हो गया 16, ये आप करोगे, ठीक है, कितना हो गया 16। अब जरा यहां पर देखते हैं क्या बनने वाला है, तो आप कैसे करोगे, ये 160 है और ये 270, अगर इसको इसको हम कट करेंगे तो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 110 ज्यादा है, अभी 16 और माइनस करना है, ठीक है, तो अगर हम ये 10 माइनस कर दें तो ये कितना हो गया अभी 100 हो गया, अभी 6 और माइनस करना है, तो 100 में से 6 चला गया, ये कितना बन जाएगा डिफरेंस, अंतर निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं अंतर, तो ध्यान रखो 100 में से 6 गया तो कितना बनेगा 94, ये 94 डिग्री आपका आंसर बन गया 94 डिग्री। अब ये जो काम हमने अभी यहां पर किया है वो काम आपको अपने दिमाग में करना है, अगर आप अपने दिमाग में करोगे
तो आंसर आप जल्दी दे पाओगे। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 9:17 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का छोटा कोण ही पूछ रहा है। यहां भी हमने छोटा कोण निकाला था, छोटा कोण। अब देखो घंटा कितना है भाई आपका, आवर कितना है 9, मिनट कितना है तो मिनट आपका है 17। तो 9:17 पर कोण निकालना है। तो हमारा तरीका क्या है आपको पता है, ट्रिक आपको याद है, ट्रिक क्या करना है यहां पर, इसमें आप 30 का गुणा करो, इसमें आप 5.5 का गुणा करो। किसका 5.5? आप चाहो तो 5.5 को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 5 × 1/5, तो ये 5.5 हो गया, ठीक है, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। 9 × 3 = 27, ये हो गया 270 डिग्री, कितना हो गया 270। हमें निकालना होता है अंतर, पहले आप 17 में भाग दो तो हम 5 का भाग देंगे, ठीक है, 5 × 7 = 35 के 5 हो गया, 5 × 5 = 8, 17×5 = 50 ही आपको पता है। और 17 का आधा कर दो, ये आधे से भी तो आप गुणा करोगे, तो 17 का आधा कितना हो गया, तो भाई कितना हो गया, 8 × 2 = 16, 8.5, कितना हो गया 8.5, राइट। अब आप इनका अंतर निकालोगे, क्या निकालोगे, अंतर कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया, आप अपने माइंड में क्या करने वाले हो। देखो ये 70 को हम माइनस कर देंगे, 70 को करेंगे तो 200 आएगा, और ध्यान रखो 70 को करेंगे तो 200 आएगा, तो यहां कितना बच जाएगा 15, कितना बच जाएगा 15। अब आपको समझना है कि 200 में से 15 चला जाएगा तो बन जाएगा 185, कितना 185। 8.5 भी तो माइनस करना है आपको, कितना माइनस करना है 8.5 माइनस करना है। अच्छा 8.5 माइनस करना है, आप केवल 8 माइनस कर लो, तो ये 5 चला गया, ठीक है, 3 और चला जाएगा, तो 5 चला गया बच गया 80, और 3 चला गया तो कितना बच गया 77, ठीक है 77 चल गया। तो अब यहां पर ध्यान रखना आधा तो और जाएगा, कितना होगा 176.5 डिग्री, कितना बने बचेगा 176.5 डिग्री। 176.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 176 × 1/2 डिग्री, 176 × 1/2 डिग्री आपको कहां मिल रहा है, आपको मिल रहा है विकल्प 4 में, कहां मिल गया विकल्प 4 में आपको मिल गया, वो आपका सही उत्तर हो गया। तो ये जो हम काम ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो आप माइंड में कर सकते हो, अगर आप कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो कोई प्रॉब्लम आपको है ही नहीं। यहां पर कह रहा है कि आवर कितना है तो 7 है भाई, मिनट कितना है तो 38 मिनट है, कितना है 38 मिनट। दोनों सुइयों के बीच झुकी हुई है, क्या लिखा है इंग्लिश में पढ़ लो, एट वॉट एंगल आर द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इनक्लाइंड एट 38 मिनट past 7, राइट, यानी 7:38 पर हमको क्या बताना है, कोड बताना है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, तरीका वही है, बहुत सिंपल सा तरीका हमने बताया, आप समझिएगा। इसमें आप किसका गुणा करोगे तो 30 का, किसका करोगे 30 का, 7 × 21 210 हो गया। इसमें आप किसका गुणा करोगे तो 5.5 का, किसका करोगे 5.5 का, ठीक है, 5 × 1/2 का गुणा करना है। तो पहले हम 5 का गुणा कर लेते हैं फिर उसका आधा कर लेते हैं। 5 का गुणा करोगे तो 5 × 8 = 40 हो गया, 5 × 3 = 15 और 4 कितना हो गया 19 हो गया, 190 प्लस आधे से भी तो गुणा करना है। तो 38 का आधा कितना होगा भाई, कितना होगा 2 × 9 = 2 हो गया, ठीक है 18 हो गया, 2 × 9 = 18, 19 × 2 = 38, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप इसको माइनस कैसे करोगे आप समझो, अगर आप माइनस करते हो तो आप समझिएगा माइनस हम कैसे कर रहे हैं। हम यहां पर ये मान लो 200 हो गया भाई, 10 इधर ले लो तो ये 200 हो गया, कितना 209, ऐसे मान लो 209 हो गया, और ये कितना है 210। तो 209 और 210 का जो अंतर है, जो अंतर है वो कितना है, ये तो आप ऐसे बता सकते हो, 1 डिग्री का अंतर है, किसका 1 डिग्री का। तो उत्तर भी आपका कौन सा बनेगा, विकल्प 1 बनेगा, उत्तर कितना बन गया विकल्प 1। अगले सवाल का आंसर आप खुद ही दोगे, चलो अगले सवाल का आप आंसर करो। इसमें कह रहा है कि 12:48 क्या है, 12:48 ये आवर है और ये क्या है, ये मिनट है, ये क्या है, ये मिनट है, राइट। दोनों के सुइयों के कोण बड़ा कोण बताना है, क्या बताना है बड़ा कोण, इस पे क्या था भाई, इनक्लाइंड था, ठीक है चलो कोई नहीं,
उसमें आंसर तो मिला ही, इंक्लाइन 48, लार्जर आपको बताना है, बाय कोड बताना है। चलो ठीक है, बाय कोड देखते हैं। 12:48 आपसे पूछ रहा है, 12:48, तो आप सिंपल यहां पर समझो 12:48 आपसे पूछ रहा है, 12 में आप 30 का गुणा करोगे, ठीक है, 12 में आप 30 का गुणा करोगे, वैसे करने की जरूरत नहीं है लेकिन जो हमारा तरीका है वैसे ही करो। 12 + 36 360 हो गया, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था। इसमें आप 5.5 का गुणा करोगे, किसका, 5.5 का, तो कितना हो गया, 5 + 48 हो गया, 5 × 20 और 20 × 24, ठीक है, तो 240 प्लस इसका आधा, 24 × 48 होता है, कितना होता है, 24 × 48। अगर इनको जोड़ लोगे तो कितना हो गया भाई, 4 × 4 और 2 × 4 = 6 और 2, 264 हो गया। 360 में से 264 माइनस कर लो, अच्छा 360 में से 264 माइनस करोगे तभी तो अंतर आएगा, तभी तो अंतर आएगा। अब अंतर लाना है तो आप कैसे माइनस करोगे, 10 में से देखो आप, सिंपल आप ध्यान रखो, देखो आप 360 में से हमको कितना माइनस करना है, 360 में से हमको माइनस करना है 264 को, ठीक है, तो भाई 10 में से 4 गया कितना आ गया, 6 आ गया, यहां 5 है, ठीक है, यहां कितना है, 5 है तो 15 है, 6 गया 9 आ गया, ठीक है, तो आएगा 96। लेकिन ये जो 96 आया है वो आपका छोटा कोड है, कौन सा कोड है, छोटा कोड है, तो अगर छोटा कोड दिया गया है हमको बड़ा कोड निकालना है तो आप क्या करोगे, हमने आपको बताया था, तो 360 में से माइनस कर दो, किसको माइनस करोगे, 96 को माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे, 96 को, अच्छा 96 को आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ गया 4, ठीक है, इधर आ गया 4, ये 15, 9 × 6 = 15, कितना, 9 × 6 = 15, ठीक है, 15 हो गया, ये 2 हो गया, कितना हो गया, 264 डिग्री, यानी विकल्प एक आपका सही उत्तर बता रहा है कि 264 डिग्री आपका आंसर बनेगा। चलिए अगले सवाल पर आए, फटाफट आंसर करेंगे, 12:04 है, 12:04, अच्छा 12:04 है, एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, जब 12:04 दिया है, ठीक है, जरा पिछले वाले सवाल पर आ जाओ तो आपको चीजें थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो सकती हैं, ठीक है, चीजें क्या क्लियर हो सकती हैं, मैं क्या आपको बताने वाला था, आप समझिएगा, ये यहां पर हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो दिया गया है 48 मिनट, ठीक है, 48 मिनट से सीधे आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, 12:04 है, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना होगा तब हो पाएगा, ठीक है, ये 12 है, 1, 2, 3, 4, तो जब 12:04 होगा, ठीक है, तो मिनट के सुई तो 4 पर जा रही होगी, ठीक है, किस पर जा रही होगी, 4 पे, ठीक है, और घंटे की सुई 12 से 4 मिनट आगे होगी, तो आप यूं समझो कि 12 ये 4 है तो 4 × 6 = 24 हो गया, और 4 का आधा कितना हो गया, 2, तो 24 में से 2 गया, कितना हो गया, 22, तो आंसर कितना होगा, 22, पहले आप समझो, आप नहीं समझ पाए, आप वैसे ही करो, देखो ये आवर है, ये क्या है, मिनट है, आवर कितना, 12, मिनट कितना, 4, मिनट कितना, 4, तो ये अगर आप 30 का गुणा करोगे तो 12 × 36, 360 डिग्री, वो मैंने बेसिक तरीके से किया था जो 22 आ रहा है, ठीक है, ये देखो 5.5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 20 और 20 × 2 = 22, कितना आ गया, 22 आ गया, कितना आ गया, 22, केवल केवल 5.5 का ही गुणा करना होता है, ध्यान रखिएगा, यहां पर कोड इंक्लाइंड बताना है, अंतः कोड बताना है, तो अंतः कोड आपका वही से यही आएगा, 360 डिग्री तो घूम करके वही हो गया। अगर आप यहां ये गलती करोगे कि हाँ आप माइनस करोगे, अंतर निकालोगे, ऐसा नहीं है कि कोड नहीं आएगा, आएगा, अंतर निकालोगे तो फिर आपका लंबा पड़ेगा, केवल आप इतना 5.5 से ही गुणा कर दो उसमें, ठीक है, तो आप देखोगे आंसर बन जाएगा यहां पर कितना बनेगा, केवल केवल 22 डिग्री। अगर आप चाहते हो अंतर निकाल के करना तो मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है, देखो आप 0 है, यहां पर 10 है, कितना गया, 8 आ गया, कितना आ गया, 8, यहां देखो कितना है, 5 है, 2 गया, 5 है, 2 गया, कितना, 3 आ गया, और वहां पर कितना है, 3 है, तो 3 है, ठीक है, 338 हो गया, 338 तो कैसा है, ये तो बड़ा कोड हो गया,
आपको तो छोटा कोड चाहिए, तो आप फिर 360 से माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे 338, और अगर आपने इसको माइनस किया, ध्यान रखो माइनस किया, तो वही फिर आ जाएगा 22 डिग्री, कितना आ जाएगा 22 डिग्री, राइट, वो जो आपका आंसर बन गया, ये विकल्प एक बन गया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आप इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है, सेशन को फिर खत्म करते हैं, ठीक है। चलो आप यहां पर कह रहे हैं कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। अब ये सवाल आप समझो, 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। अब एक दूसरे के विपरीत दिशा की मतलब क्या है, विपरीत दिशा का मतलब होता है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। मैं आपको बताता हूं, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आप 180 डिग्री की बात कर रहा है, सबसे पहले समझना है कि एक घंटे में जो 180 डिग्री बनता है वो केवल एक बार बनता है, कितनी बार, एक बार बनता है, ठीक है, एक बार बनता है। अच्छा 12 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 11 बार बनता है। अच्छा 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 22 बार बनता है। इसमें क्या पूछा है, ये पूछा है 12 घंटे, तो आंसर कितना आएगा, 11 आएगा, कितना आएगा 11। अब आप पूछोगे कहां नहीं बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कहां नहीं बनता है, तो ध्यान रखना 5 से लेकर 7 के बीच में एक ही बार बनता है, कितनी बार, एक ही बार, दो बार नहीं बनता है। कह रहा है कि मिनट और घंटे की सुई द्वारा 4:12 पर कितना कोड बनेगा, तो यहां पर जो घंटा है वो कितना है 4, अच्छा जो मिनट है वो कितना है 12 है, तो क्या करोगे 23 + 4 = 12 = 120 हो गया। अच्छा इसको आप करोगे 5.5, तो 12 × 5 = 60, और 60 + 6 = 66, कितना डिफरेंस ले लो, अंतर ले लो, अंतर लोगे इसमें देखो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 4 आ गया, ये हो गया एक, राइट, 11 × 6 = 5 = 11, कितना आ गया 54 डिग्री आ गया, ये आपका उत्तर हो गया 54 डिग्री, राइट। चलो अगले सवाल है, यहां पर कह रहा है मिनट और घंटे की सुई के बीच 9:53, घंटा कितना है भाई, घंटा आपका है 9, अच्छा मिनट कितना है, तो मिनट आपका है 53, मिनट कितना है 53, गुणा कर दो आप किससे करोगे 30 से, 9 × 3 = 27, 270 डिग्री, और यहां 5.5 से गुणा कर दो, 5.5 से करोगे कितना 5 × 3 = 15, 5 हो गया, 5 × 5 = 25, और एक कितना हो गया 26, और 53 का आधा कितना होगा, प्लस वो भी करना है, ठीक है, तो 26 × 52 होता है, तो 26.5 डिग्री, ठीक है। इनका अंतर निकालना है, कैसे निकालोगे आप समझो, पहले इसको ऐड कर लो आप, ठीक है, 6, 5, 11 एक हो गया, ठीक है, 6, 2, 8 एक 9 हो गया, और 2 हो गया, 291.5 है, 270 है, तो 291 में से 270 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 729, ठीक है, तो 20 और 21 21.5 आ जाएगा, 21.5 डिग्री, यानी 21.5 आ गया, 21.5 डिग्री, 21.5 आ गया, हाँ ये तो है, तो विकल्प में, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। आप देखो कह रहा है मिनट और घंटे की सुई के बीच 12:46, ठीक है, क्या है 12:46 पर कोड बनेगा। देखो 12 वाले पे हमने कराया है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। चलिए अगले सवाल देखें, 7:09 पर क्या कोड बनेगा, तो 7:09 है, ठीक है, 7 है और 9 है, 30 का गुणा करोगे, 7 × 3 = 21 हो गया, 210 हो गया, 9 × 5.5 से गुणा करोगे, 5 × 9 = 45 हो गया, 45 × 4 = 45, 4 कितना हो गया 49.5, ठीक है, अंतर ले लो आप, इसमें से अगर हम 50 भी माइनस करें, 50 क्यों, ऐसे ही माइनस कर लो, ठीक है, आप देखो माइनस करोगे, अगर आप इसमें से 10 है, 9 माइनस किया, 9 नहीं है, यही माइनस करो, ठीक है। देखो आप, आपने क्या किया, आपने ये माइनस किया, आ गया 0.5, कितना आ गया 0.5। अब माइनस हम लोग ऐसे करेंगे मजा नहीं आएगा, ठीक है, देखो माइनस कैसे करना है, ठीक है, आप सीधे सीधे हम 50 माइनस कर लें, कितना माइनस कर लें 50, अगर 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, 160 में से आप ध्यान रखो 160 आ जाएगा, 160.5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, कितना 160.5, आप ऐसे ही कर लो, एलिमिनेट भी कर लो, ठीक है। कह रहा इतना 11:10 है, तो 11:10 है तो ध्यान रखो 11 × 3 = 33, 330 डिग्री, ठीक है, 10 में करोगे तो कितना आएगा 10 × 5 = 50 और 55,
55 माइनस कर लो, ठीक है, माइनस करोगे इसमें से पांच गया, कितना आ गया भाई, पांच आ गया, ठीक है, दस में से पांच गया, पांच आ गया, ये देखो कितना है, तो ये आपका दो है, बारह है, सात पांच बारह है, ठीक है, ये सात पांच बारह पचहत्तर आ गया, पचहत्तर आ गया तो पचहत्तर किसमें है, तो आपका 175 हो गया, तो 175 आ गया, नहीं, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ किया क्या हम लोगों ने, ठीक है, 175 तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, 275 आना चाहिए, 275 आना चाहिए, देख लो आप, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, तो ये 2 हो गया, ठीक है, यानी 12, 2 हो गया यानी 12, 12 में से हमारा 5 चला गया, कितना हो गया, 12 में से 5 चला गया, कितना, 7 आ गया, ठीक है, तो 2 बचा, 275, ठीक है, 275 होगा, ये गलत दिया है, तो आप यहाँ पर 275 कर लो, कितना कर लो, 275 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग होंगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 है, 56 है, गुणा किससे करोगे, 30 से, 90 हो गया, 56 में 5.5 का गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा, 5 6 23, शून्य हो गया, ठीक है, 5 5 25, 25 और 3 कितना हो गया, 28 हो गया, प्लस 27, 28 दूना 56 हो गया, राइट, 28 दूना 56 हो गया, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ 10 बचेगा, ये 80 चला गया, 200, ठीक है, और प्लस यहाँ से 10 हटा दो, कितना, 18, तो 218 कितना हो गया, 218 डिग्री, नहीं 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 नहीं, ये 90 था, 10 था, 80 हमने माइनस किया, 200 हो गया, कितना हो गया, 200 हो गया, तो भाई 30 तिहाई 90, ठीक है, तो किया हम लोगों ने, 5 6 30 हो गया, 5 5 25 और 25 और 3 कितना हो गया, 28, ठीक है, 28 दूना 56, ठीक है, ये भी ठीक है, अगर आप माइनस भी कर रहे हो तो हमने 80 माइनस किया तो यहाँ 10 बच गया, 200 और इधर 10 है, तो इस 10 को हटाओगे तो यहाँ कितना आएगा, 18 आएगा, तो 200 प्लस 18, 218 ही होना चाहिए, यहाँ पर 228 नहीं होना चाहिए, 218 होना चाहिए, कितना, 218 डिग्री, राइट। चलिए, हमने आई थिंक कैलकुलेशन हमने बिल्कुल सही किया होगा, आप सेशन को यहीं पर करते हैं खत्म, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो फटाफट कर दीजिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो एक नए सेशन के साथ मिलेंगे, अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में कि पार्ट 2 चाहिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।